What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. तो अभी time हुआ है सुबह के 10:40. ना भाई ना, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ यार. आप लोग रोज़ देख के थके होंगे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ. आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ यार. आज जा रहे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए. क्या है, कैसे है, सब बताऊँगा. बट उसके पहले आप लोगों को बगीरा को ऑन कर देते हैं, पहले गोल्ड शर्ट में रख देते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि क्या है सीन. सो यस इग्नेट, वापिस रात को किसी ने छेड़खानी की है, चलो छोड़ो. यस 1 2 3, आप लोगों को कुछ डिफरेंस फील हुआ, नहीं पता चला, तो लेट मी टेल, आवर स्टॉक एग्जॉस्ट इज बैक फाइनली. बहुत दिनों बाद मैंने स्टॉक एग्जॉस्ट डाला है. एंड अभी मेरे को जाना है इसको लेके, कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ सब बताऊँगा. बट पहले इसको होने देते कोल्ड शॉट एंड फिर निकलते अपने घर से, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको पैम्पर नहीं किया. तो आज इसका पैम्पर डे है, और आज पैम्पर डे के साथ साथ सैटरडे भी है. हाँ, सैटरडे को मेरे को छुट्टी कैसे मिली वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा. यस तो बेसिकली चलो यहाँ पे क्या बात करना, मोटर ब्लॉगिंग के टाइम में बात करेंगे. इसको लगे तो कोल्ड चार्ट से निकलते अपने, एंड रास्ते में चलते चलते आप लोगों से सारी बातें करूंगा. हजार कर देते ऑफ. सो गाइज, अभी सबसे पहले मुझे जाना है पैसे लेने के लिए. पैसे कहाँ से लेने, क्यों लेने, वो मैं आप सब लोगों को सब कुछ बताता हूँ. सो बेसिकली मैं बाइक वॉश करवाने गया था 30th December को, एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही नेट का प्रॉब्लम चल रहा था सब जगह. वो बच्चे भाई साहब, सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा था. 30-31 की वजह से सर्वर डाउन चल रहे थे, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. एंड मैंने बाइक वॉश करवाई, एंड मैंने ऑनलाइन कर दिया पेमेंट. पेमेंट ऑनलाइन करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आ गई कि मैंने एक बार पेमेंट किया, पेमेंट ट्रांजेक्शन फेल्ड आया. एंड उसके बाद मैंने दूसरी बार किया तो वो सक्सेस आ गया. एंड उसके बाद मेरी दिक्कत ये आ गई कि जो ट्रांजेक्शन कैंसिल हुआ था वो भी प्रोसेस हो गया और वो भी कंप्लीट हो गया. सो मैंने दो बार पेमेंट कर दिया था, एंड उसके बिहाफ में मैंने बाइक वॉश करवाई थी सिर्फ एक बार. तो मैं उनके साथ कॉल पे टच पे था, मेरे जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ मुझे पता चला, वैसे मैंने उनको बोल दिया था. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब आके कैश लेके जाना, हम लोग पेमेंट वापस नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन. तो मैंने बोला ठीक है, और उसके बाद मेरा कंटिन्यूसली इवेंट वेवेंट चल रहा था तो मैं जा नहीं पाया, एंड उसकी वजह से ही अभी तक वो पेंडिंग था. तो उसके पास जाके आज पैसे लेते हैं, एंड उसके बाद जाना है अपने को बाइक के लिए. सो बाइक के लिए क्या है वो सब कुछ बता दूंगा, बट पहले चलते हैं अपने, एंड उसके पास चलते हैं, पैसे वैसे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ. क्योंकि ये आज ज़्यादा मोटर ब्लॉगिंग पर मेरे से होने वाला है नहीं, क्योंकि आज मेरा सर दर्द हद से ज़्यादा कर रहा है. बट अपने ने डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो भाई साहब वो अपने को करना ही, कुछ भी हो जाए, सर दर्द हो, पैर दर्द कर रहे हो, थकान हो, कुछ भी हो, अपने को करना ही करना है. जब तक करेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे. सो एवरी टाइम पुश योर लिमिट्स गाइस, तो ही आप कुछ अच्छा टारगेट अचीव कर पाओगे. तो बाकी अभी निकलते हैं, एंड चलते हैं और लेते हैं अपने पैसे, और उसके बाद चलते हैं बाइक को लेके. सो फाइनली अपन ने कैश कर लिया कलेक्ट, भैया ने कुछ बोला नहीं, भैया ने सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडी मांगा, उन्होंने वेरीफाई किया, और अपन ने वेरीफाई करते अपन को दे दिया उन्होंने पैसे. तो अपना काम हो गया, एंड उसके बाद अभी अपने को चलना है KTM के सर्विस सेंटर क्यों जाना है वो सब कुछ बताता हूँ. बट मुझे आ रहा है कॉल, तो मुझे वो कॉल रिसीव करना रहेगा. तो पहले वो मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ, एंड उसके बाद अपने वापस कंटिन्यू करते हैं. सो अभी मैं पहुँचने को आया हूँ KTM लाल दरवाजा, एंड उसके लिए मैंने व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर दिया है. सो बाइक को आज यहाँ पे लेके क्यों आए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. बट पहले ये आगे एक बंदा बहुत ही खतरनाक चला रहे, देखो, ओ भाई साहब, ओ हो भाई साहब, क्या चला रहा है भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में तो नहीं है, वो भी विदाउट हेलमेट. और ये रहा उसका दूसरा बाप,
ये पल्सर लेके उसके पीछे पीछे जाने की ट्राई करना, और वो भाई साहब कहाँ से कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। और भाई साहब ये तो ठोकते ठोकते रह जा रहा है सब लोगों को, भगवान करे आज इसका एक्सीडेंट ना हो, अगर होगा तो भाई साहब इसका बहुत गंदा हाल होगा। एंड यहाँ पे सिग्नल, एज ऑलवेज यहाँ पे भी सिग्नल अपने को आ गया यार। कभी भी अपने को ना टाइम पे पहुँचना होता है तभी सारी ये दिक्कतें होती रहती है, बट कोई बात नहीं। अभी इसमें मुझे करवाना है चेन क्लीन, चेन ल्यूब और वॉश। हाँ मैं वॉश वहाँ पे भी करवा सकता था बट वो मैंने वहाँ पे करवाया नहीं क्योंकि KTM का ज़्यादा अच्छे से करके देते हैं, प्राइस रेंज सब कुछ सेम ही रहता है, तो कुछ मतलब नहीं है कि भाई साहब मैं वहाँ पे करवाऊँ यहाँ पे ना करवाऊँ, सो इट्स बेटर के सब कुछ एक ही जगह पे हो जाए। तो चलते हैं एंड मिलते हैं मितुल भाई को, कितना टाइम से मैं नहीं आया था, मैं यहाँ पर लास्ट आया था मे बी नवम्बर में, तब उनसे मिला था, उसके बाद मैं मिला ही नहीं हूँ, तो उस बार में मितुल भाई को भी मिलना हो जाएगा। एंड यस पहुंच चुके हैं KTM के सर्विस सेंटर लाल दरवाजा। कितने दिनों बाद अपने यहाँ के दर्शन कर रहे हैं, कैसे हो सर जी? बस बढ़िया सर, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया, आपकी दुआ है। बोलो ना। चेन क्लीन, चेन ल्यूब और बाइक वॉश और कुछ नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसे किचन निकल देता हूँ, गीला होगा ना तो फिर वो लाओ ना निकल देता, लाओ ना लाओ निकल देता। तो फाइनली अपनी बाइक, कैसे हो मामा? बढ़िया और बोलो। बस बढ़िया। तो अपनी बाइक गई है वॉश के लिए एंड देखो बाजू में नई RC 200 दिख रही है, और मैं यहाँ पर हर्षद भाई से गुस्सा हूँ मैं भाई, ये नई वाली RC तो क्या लग रही है यार, देखना पड़ेगा। वो हो दिस इज द लिमिटेड एडिशन RC 200। ओके PDA बाकी है। ओके ऑसम बाइक ब्रो, ऑसम ऑसम, बहुत सही बाइक है। PDA बाइक है वो, अभी आई है कल शाम को आई है। अच्छा ये कल शाम को ही आई है। ओके ये लिमिटेड एडिशन लग रहा है, लिमिटेड एडिशन है ना। बहुत सही है भाई साहब, बहुत सही बाइक है, इसको क्या ही बोले, RC 200 नई वाली लिमिटेड एडिशन ऑसम बाइक। PDA भी अभी बुरा सुख रहा बाकी है, तो यस चलते हैं अंदर। एंड मितुल भाई से वार्तालाप करते हैं थोड़ी, वो तो सामने ही है, बिजी है थोड़े, कोई बात नहीं, उनको उनकी बातें ख़त्म कर लेने देते हैं, इम्पोर्टेंट कॉल होगा। बाकी बजाज भी नज़दीक में ही है एंड उसके पहले अपने को अंदर जाके हेलमेट वगैरह तामझा नामझा निकाल देते पहले। सो फाइनली आप लोगों को कितने दिनों बाद मेरा प्यारा सा चेहरा देखने को मिल चुका है, और अभी मैं आया हूँ KTM पे एंड अपनी बाइक सामने आप लोग देख सकते हो, अपनी बाइक सामने चढ़ चुकी है एंड वहाँ पे अभी चलेगा चेन क्लीन, चेन ल्यूब और बाकी जनरल चेकअप होगा और कुछ नहीं है। अभी भी 1200 किलोमीटर बाइक चल जाएगी क्योंकि सर्विस करवाए हुए अभी 4000 किलोमीटर या ज़्यादा हुए हैं, 2000 किलोमीटर और चल जाएगी, 6000 तक का अपने टाइम पीरियड देते हैं इसको। एंड अभी मैंने चेन लास्ट जो करवाई थी उसके बाद अभी तक मैंने बहुत बार चेन क्लीन, चेन ल्यूब करवा दी है बट ज़्यादातर चली नहीं है मेरी बाइक। एंड अभी मेरे को थोड़ा टाइम और लगेगा यहाँ पे, उसके बाद मुझे जाना है यश को मिलने, डोंट नो प्रोबेबली हम लोग मिलेंगे कि नहीं क्योंकि अभी बात चल रही है सिर्फ, उसके बाद डिसाइड करते कि क्या प्लान रहेगा। एंड अभी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है एंड आज है सैटरडे, तो मम्मी को मैंने बोला घर पे खाना बनाए, तो आज घर पे खाना है अपना एंड इसको करवाते हैं रेडी एंड फिर अपन निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली अभी बाइक इज़ ऑल गुड, सिर्फ पीछे की जो नंबर प्लेट का काम था वो अभी कर रहे हैं मितुल भाई एंड एज यूजुअल अपने उसके लिए मेरे मित्र को रेडी रहते हैं। કાલ રાત્રે વિલી પોપ અપ થઈ ગઈ ને, એટલે કઈક અવાજ આવે એટલે મેં કીધું શેનો અવાજ આવે, શેનો અવાજ આવે, ત્યાં જોયું તો આનો અવાજ આવતો હતો,
असेंबली, नंबर प्लेट का भी काम हो गया, बाइक का अच्छे से चेन क्लीन, चेन वॉश, बाइक का वॉश हो चुका है, सब कुछ ऑलमोस्ट ग्रेट, रेडी टू राइड। एंड अभी इसमें एक छोटी सी दिक्कत आ गई है कि विंटर्स में मैंने ज़्यादा बाइक चलाई नहीं है, तो उसकी वजह से ब्रेक पैड थोड़े से स्टिफ हो गए हैं, इसके लिए मुझे रेगुलरली इसको राइड करना पड़ेगा। रेगुलरली राइड नहीं करूँगा तो उसके कैलिपर्स में प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं करना है अपने को तो बहुत जल्दी इसको अपने को अच्छे से करवाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको अच्छे से सर्विस करवाना पड़ेगा फिर। एंड उसकी कॉस्टिंग नॉर्मल आती है 350-400 रुपये, ना आज की कॉस्टिंग भी सेम आई है 300 रुपीज़, चेन क्लीन, चेन ल्यूब, वॉश एंड एवरीथिंग मिला के सबके साथ में मिला के अपने को 295 रुपीज़ की कॉस्ट है, विच इज गुड अमाउंट की भाई साहब। इतना मेरे को ऑलमोस्ट 4 महीने बाद मैंने इतना अमाउंट स्पेंड किया इसके ऊपर, बाकी और कुछ भी नहीं। 20 लाओ, हेलो पैसा दे दो, हो गया, चलो डन 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 डन, उसमें से निकाल लो, एक निकाल लो, हाँ उसमें से ओल, ओके डन, चलो मिलते हैं। आप फ्रंट ब्रैकेट के लिए उसके रख के लिए रख दीजिएगा, हाँ अगर मेरे को फ्रंट के लिए अभी कुछ दिक्कत आएगी ना तो फिर मैं कॉल कर दूंगा, ओके ठीक है ना, डन सर। और बिल अभी कुछ ले देना हो रहेगा वहाँ पे कुछ, नहीं नहीं वहाँ पे कुछ देना है कि चलेगा, अच्छा परफॉर्म कर रही है, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ की दिक्कत है अभी, वो मेजर नहीं है, वो विंटर्स की वजह से सारी बाइक्स में रहती है। एंड उसी को लेके अपने को भी देखना है, 2-4 दिन राइड करूँगा, अगर नहीं होता है ठीक तो फिर मिथुल भाई को दे देंगे वापस गाड़ी, तो ज़्यादा नहीं है सिर्फ क्लीन व्लीन करना है, तो वो अपना नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट जब अपना छुट्टी होगा तब तो बाकी कर लेंगे। एंड बाकी तो ऑल गुड, बाइक इज़ रेडी टू राइड, एंड ग्रैप भी अच्छा खासा हो गया है, बट इसके लिए अपने कुछ नई चीज़ सोची है। चलिए थैंक यू सो मच मिथुल जी, मिलते हैं सून, चलो डन। तो बिल भी आ चुका है, एवरीथिंग इज डन, अभी भाई मोबाइल को कर देते हैं कनेक्ट, ये नई वाली डोमिनार, ये जान पहचान वाले की है बट क्या करें, चलो जाने दो, इसको कर देते हैं यस। सो फाइनली अपनी बाइक का काम हो चुका है समाप्त, और अच्छे खासे कॉस्ट में हो गया, अपने को ज़्यादा कुछ देना लेना पड़ा नहीं। एंड आज का व्लॉग अपने यहीं पे एंड कर देते हैं, एंड आज हमको मैं दूसरा व्लॉग बनाऊंगा इसका अलग से, क्योंकि आई डोंट वांट कि भाई साहब मैं कचर पुचर पूरा एक साथ बना के डाल दूँ, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ये व्लॉग मेरे को ज़्यादातर लंबा करना भी नहीं है। सो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो आप लोगों को पता ही करना है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी गाइज आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्टली नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट, सी एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग, साइनिंग ऑफ दिशांत। और गाइज जैसे आप लोग प्यार दे रहे हो वैसे प्यार बनाए रखना, हर एक वीडियो में 500-600 व्यूज़ मिनिमम अपने लोगों को चाहिए रहेंगे चैनल मोनेटाइज करने के लिए, तो गाइज इतनी सी हेल्प कर देना मेरी। ओ हो पुलिस वाले, आज का थंबनेल अपने को मिल गया कॉट बाय दी पुलिस। सो चलो छोड़ो सारी पुरानी बातें, एंड अभी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक रहेगा, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी गाइज आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्टली नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सी यू एवरीवन।